तुम लोगों को सैलरी किस बात की मिलती है? एक आदमी घर पे घुस गया था, मुझ पे अटैक कर रहा था और तुम लोग उसे रोक भी नहीं पाए। क्यों खड़े खड़े भी रख मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। नहीं रुको, जब तक मैं ना कहूं ये दरवाजा मत खोलो। मैं जा रहा हूं यहां। प्राइस वाइज का हो जाएगा, तुम प्रेजेंटेशन एकदम धुएंदार बनाना। जी सर। अश्का, थैंक यू सर। मैंने तुमसे कहा था मैं आज रात लेट आऊंगा, मुझे लेट हो जाएगा, फिर कॉल क्यों कर रही हो? तुम्हारे लेट के चक्कर में ना मेरे नाम के आगे लेट लग जाएगा, मेरे मरने के बाद आओगे क्या? क्या हुआ बताओ? हुआ क्या? रंजन तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ गए, नशे की हालत में दूध खून जमा रहे उसके सर पे, मुझे मार देगा वो। नीचा उसे तुम दिखा रहे हो और उसका गुस्सा मुझे सहना पड़ रहा है। अरे हमारे बेडरूम पे घुस आया था, कैसे कह सकते? मैंने दरवाजा लॉक करके अंदर बंद किया। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ इससे पहले कि कुछ हो जाए। अरे तो तुम अब कॉल कर रही हो बेब्स, पहले कॉल करना चाहिए था ना। मेरे घर में इतना अच्छा सीन चल रहा है और मैं यहाँ ऑफिस में बैठा हूँ, बताओ। सो बैड। और अब जहाँ आशका को गुस्सा भी आता है और रोना भी, अर्श इतने हल्के में कैसे ले सकता है इस बात को? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है ना? मेरी जान निकलने वाली थी अर्श, मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। आशका, तुम बहुत भोली हो, पुलिस को कॉल नहीं करना है। अरे आम खुद गिर कर तुम्हारी झोली में आया है और तुम पल्ला झाड़ने की बात कर रही हो। पुलिस को कॉल नहीं करना है लेकिन किसी और को कॉल करना है। मैं जैसा कह रहा हूँ बस वैसा करो। अर्श मुझे मार देगा वो। सुपरमैन नहीं है वो, तुमने उसको अंदर लॉक कर दिया है ना, कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा। बस अब मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा वैसा करती रहो। और अब अर्श का शातिर दिमाग एक्सप्रेसवे में गाड़ी की तरह दौड़ता है और अब आशका को पूरी तरह अपने हिसाब से ढाल रहा है। वही रात बहुत हो गई है और सवी सई को सुला रही है और अब चिंता भी करती है कि अब तक रजत घर कैसे नहीं आया। सई भी उसकी राह देखते देखते सो गई। रात के 2 बज रहे हैं, अब तक नहीं आए। कम से कम फोन करके किसी को इन्फॉर्म तो कर सकते थे ना। बेचारी बच्ची पापा पापा करते हुए सो गई, घर पे भी किसी को नहीं बताया कि अब तक नहीं आए। क्या करूं मैं, कैसे पता करूं? आप जरूर किसी पार्टी में या किसी फ्रेंड के घर पे बैठ के दारू पी रहे होंगे। ये क्यों इस वक्त कॉल कर रही है? हेलो सभी, जल्दी यहाँ आओ और अपने अपने हस्बैंड को यहाँ से ले जाओ। रजत आपके घर पे? हाँ, पर बहुत पी रखी है उसने, जबरदस्ती मेरे बेडरूम में घुस के और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, कुछ भी मुके जा रहा है। तुम जल्दी आओ वरना वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बस अभी है। और अब आशका के फोन के बाद सभी निकल पड़ती है रजत को लाने अपने घर, पर उसे ये नहीं पता कि आगे जाकर क्या सुनना पड़ेगा उसे, क्योंकि आशका तो अर्श का मोहरा है जो उसे खुद ब खुद चला रहा है अपने तरीके से। सभी प्लीज प्लीज अपने हस्बैंड को यहाँ से लेकर जाओ, वो तो अच्छा हो गया अर्श यहाँ नहीं है, बड़ा पता नहीं क्या हो जाता, क्या हाल करता वो उसका। बार बार एक ही सवाल किए जा रहा था कि मैंने उसे छोड़कर अर्श को क्यों चुना, बताओ। आज तो हाथ पार कर दी उसने, जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस गया। देखो देखो क्या हाल किया तुम्हारे पति ने मेरा। पहले तो मैंने सोचा कि पुलिस को फोन कर देती हूँ, फिर मुझे सही की याद आई कि सही क्या कहेगी कि उसके पापा को पुलिस ले गई, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। हाथ पार कर दिया उसने, पागल हो गया, खून सवार हो गया उसके सर पे, न जाने कैसी कैसी
की बातें कर रहा है, इसलिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए उसे कमरे में बंद कर दिया। पूरे टाइम बस एक ही चीज कही जा रहा था कि मैंने उसे क्यों छोड़ा, क्यों। वो आज भी मुझसे प्यार करता। और अब सभी आशका को बस देखते ही रह जाती है, वो भी क्या क्या बोले जा रही है रजत के बारे में, पर क्या ये सच है। बहुत समझाने की कोशिश की मैंने उसे कि मूव ऑन करो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन नहीं, एक ही बात कहे जा रहा था। पता है क्या कहता है? कहता है कि उसकी और तुम्हारी शादी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, तुम उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। उसके लिए ये शादी बस एक समझौता है, कॉम्प्रोमाइज है, सौदा है। बस यही कहे जा रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता हूँ। तुम ही बताओ सभी, कोई किसी से जबरदस्ती प्यार करवा सकता है क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। एक तो अर्श घर में नहीं है, ऊपर से मैं कमरे में अकेली ऐसे जबरदस्ती कमरे में घुसा है। कोई भी शरीफ इंसान ऐसी हरकत कर सकता है क्या? लेकिन मैं जानती हूँ उसने ऐसा क्यों किया। चढ़ता है मुझसे, मुझे खुश नहीं देख सकता ना, यही उसकी प्रॉब्लम है। एक तो पहले मुझसे मेरी बेटी छीन ली। अरे ये सोच के मैंने मेरी बेटी को जाने दिया कि चलो उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी तो आगे मूव ऑन कर पाएगा, वो लाइफ आगे बढ़ेगा, मुझे भूल जाएगा। लेकिन नहीं, अब तो मुझे ये टेंशन हो रही है कि मेरी बच्ची उस दरिंदे के साथ कैसे रहेगी। और अब तो सभी और भी हैरान हो जाती है आशका की बातें सुनकर, कहां से कहां बात को ले गई है। और अब सभी और रजत की शादी तो छूट, सई को भी बीच में ले आई वो। सभी प्लीज लेकर जाओ उसे। देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और रजत के बीच में कोई प्यार नहीं है, लेकिन जो भी है, तुम हो तो उसकी वाइफ, तुम्हारे होते हुए वो ऐसे मेरे कमरे में कैसे घुस सकता है? नहीं घुसना चाहिए उसे, तुम ही समझा सकती हो उसे। आपका बेडरूम कहाँ है? पर अब बड़े ही खुश होकर देखती है आशका सभी को जाते हुए उसके रूम की ओर। अच्छी कहानी बुंदी है वो। अब देखना ये है कि इसका असर क्या होता है सभी के दिल पर, जब वो रजत को आशका के रूम में उसी के बेड पर पाएगी। देखते रहिए आगे क्या होता है वो मैं किसी के प्यार में की आने वाली अपडेट्स में, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर।